तो आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोट के रोकर्स 400 के बारे में, और इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स जो है देखने को मिलने वाले हैं उस सब के बारे में बात करने वाले हैं, और ये वाले हेडफोन्स आपको कितने रुपए में मिलने वाले हैं उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे में अगर आप हमारे चैनल पर नया आए हो, मेरा नाम हिराज और आप लोग देख रहे हो टेक्निकल सब्जेक्ट विदाउट डोनेशन टाइम। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको इसके थोड़े से फीचर्स भी दिखा दूं। तो इसके अंदर जो है आपको बास जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, और जैसे इसको कान में लगा दे तो काइंड ऑफ थोड़ा सा नॉइज कैंसिलेशन भी आपको लग जाता है, और ब्लूटूथ 5.0 जो है टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, और बहुत सारे फीचर्स और भी हैं जो हम वीडियो के आगे बात करते हैं। तो वेटिंग टाइम, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले कर देते इसकी अनबॉक्सिंग, और अनबॉक्सिंग करते ही इसके अंदर हमको सिर्फ देखने को मिलता है एक माइक्रो यूएसबी केबल और यूजर मेन्यू, और बाकी जो है सब कुछ आपको हेडफोन्स के अंदर ही देखने को मिलता है। तो हेडफोन्स के ऊपर हम बात करते हैं, तो हेडफोन्स के अंदर आपको जो है नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है जैसे आप पहनते हो वैसे ही। एक्चुअली में ऐसा कोई फीचर्स नहीं है, बट हाँ जैसे आप पहनते हो आपको जो है आपके बाहर की जो साउंड होगी ना, या फिर ऐसा बोल लो कि बाहर की जो नॉइस होगी वो बहुत ही कम सुनाई देती है। तो वैसे में जो है आपको हेडफोन्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि हेडफोन्स है इसके अंदर आपको जो है कि हेडफोन जैक भी जो है देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप जो है अपने हिसाब से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। बाकी आपको एक जो है चार्जिंग के लिए पोर्ट देखने को मिल जाता है जो माइक्रो यूएसबी है, जो टाइप सी होता तो अच्छा होता, पर कोई बात नहीं चला लीजिएगा हम उससे भी। बाकी आपको जो बीच में जो है आपको प्ले पॉज के बटन जो है देखने को मिल जाते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड वाले जो बटन है वो है प्लस और माइनस करने के, जिससे आप जो है वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हो। और ओवरऑल हेडफोन्स के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ तो आपको कुछ इस टाइप का जो है डिज़ाइन जो है देखने को मिल जाता है। खैर डिज़ाइन बहुत ही सही है, बट अगर आप जैसे इसको पहनते हो तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगी, मतलब हेड से भी और कान में भी आपको दर्द तो नहीं होने वाला पहनने के बाद। आप इसको जो है आपके जो कप्स है उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो किस तरह से, वो भी अभी आपको हम दिखा देते हैं कुछ इस तरह से। आपको इसके अंदर कोई लॉकिंग मैकेनिज्म नहीं देखने को मिलता, मतलब आपने इसको एक साइज़ का कर दिया उसके बाद लॉक हो जाए, वैसा कुछ नहीं देखने को मिलता। बट हाँ पहनने के बाद इंस्टेंटली आपको अपने हिसाब से आप एडजस्ट हो जाते हैं, तो कोई इसमें कुछ इशू नहीं है। बट शायद ज़्यादा यूज़ करने के बाद ये लूज़ हो सकता है मेरे हिसाब से, अब देखते हैं कि क्या हमको क्या होता है। अगर आपको इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू चाहिए तो हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, हम जो है बना के दिखा देंगे। बाकी ये हेडफोन्स जो है उसकी क्वालिटी अच्छी है, जो प्लास्टिक जो यूज़ हुए है इसके अंदर वो भी अच्छे खासे यूज़ हुए हैं, और यहाँ पे एक जो रेड एंड ब्लू ब्लूटूथ 5.0 है, और ये जो रेड एंड ब्लू जो लाइट हो रही है वो भी बहुत सही लग रही है। तो सीधी सिंपल सी बात ये है कि आपको ये वाले हेडफोन्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, और इसका प्राइस जो है वो क्या है। अगर आपको कोई सेल जो है मिल जाता है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के अंदर, तो आपको 1000 रुपये के अंदर जो है ये हेडफोन्स जो है देखने को मिल जाते हैं, और इसका जो बिल्ड है वो प्रीमियम है। हाँ 1000 रुपये के हिसाब से आपको ये फील नहीं होगा कि मैंने 1000 रुपये की चीज़ ली, आपको ऐसा लगेगा मैंने 3-4 हज़ार या 2-3 हज़ार का जो है हेडफोन्स जो है परचेज किया है। और अभी जो है फिलहाल मार्केट में मेरे हिसाब से सबसे अच्छे हेडफोन्स जो है ये बोट की रॉकर्स 400 है, और इसका जो ये जो नियॉन कलर है ये मेरे को बहुत सही लगा, और फिटबिट भी भाई मेरे को कोई इशू नहीं है। बाकी देखते हैं इसको ज़्यादा यूज़ करके तब हमको पता चलेगा एक्चुअली में क्या है। बाकी इसका बैटरी बैकअप जो है बॉक्स के ऊपर मेंशन किया है, सिंगल चार्ज पे 10 आवर्स का जो है वो बैटरी बैकअप दे देता है, और इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे चार्ज करो और 10 घंटे यूज़ करो फुल साउंड पे। अगर आप इसको नॉर्मल साउंड रखते हो, मतलब आप जितने हेडफोन्स या ईयरफोन्स में रखते हो उतना इसका साउंड रखते हो, तो इसका जो बैटरी बैकअप है वो डबल हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। सो यही कुछ थी बोट रोकर्स 400 के बारे में बातें, और सीधी बात आपको ये लेनी चाहिए या नहीं। अगर आपका बजट जो है 1000 या 1500 के बीच में है तो आप ज़रूर जो है ये वाले हेडफोन्स को जो है कंसिडर कर सकते हो। आई होप सो गाइस आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, और वैसे में अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करने के बाद
बेल आइकन को जो है ऑल पे सेट कर देना, जिससे हम जैसी कोई नई वीडियो रखी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हम मिलते हैं ऐसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप वॉचिंग।